हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक में। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक आर्डिनो का जो एलईडी फेड का प्रोग्राम है वो कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ सबसे पहले इसमें लिखना है एलईडी, डिफाइन करना है पिन को। तो हमें लिखना है यहाँ इंट लिखना है, उसके बाद स्पेस देना है। अब हमें एलईडी को ग्लो करना है तो इसका नाम दे देते हैं एलईडी, उसके बाद स्पेस देकर फिर से इक्वल टू का साइन देना है हमें। उसके बाद फिर पिन सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पिन 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ आप ध्यान से पिन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ फेड का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो एलईडी यहाँ धीरे धीरे ग्लो होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो डिम होगा। तो इसमें आप अपने आर्डिनो में जो भी आर्डिनो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप पिन डायग्राम देख लें कि कौन सा पिन PWM सपोर्ट करता है, तो उसी पिन को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पिन 3 को यूज़ कर रहे हैं। तो अब नीचे आएंगे, इसमें इंटर देकर नीचे आएंगे, उसमें लिखेंगे वाइड सेटअप। मैंने पहले भी बताया है वाइड सेटअप में जो भी सेटअप करते हैं, मतलब कि उसे बताते हैं कंपाइलर को कि ये आउटपुट रहेगा या इनपुट रहेगा। तो मैं यहाँ इसे आउटपुट सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ लिखेंगे हम वाइड सेटअप, उसके बाद हम यहाँ देंगे ब्रैकेट, उसके बाद इंटर देकर नीचे आएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट देंगे। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है पिन मोड। तो पिछले वीडियो की तरह इसमें भी लिखेंगे पिन, एम इसमें कैपिटल होगा, पिन मोड। उसके बाद फिर हमें इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जो भी हमने ऊपर एलईडी सेलेक्ट किया था, नाम दिया था, उसे लिखेंगे आउटपुट, क्योंकि एलईडी आउटपुट होगा तभी हमारा एलईडी ग्लो होगा। तो यहाँ हमें लिखना है एलईडी, उसके बाद फिर हमें कॉमे देना है, उसके बाद लिखना है आउटपुट। अब इस ब्रैकेट को हमें बंद कर देना है। तो यहाँ बंद कर दिया। अब यहाँ सिंपल से इसे सेमी कोलोन देकर हमें इसे टर्मिनेट करना है। तो यहाँ से ये टर्मिनेट हो गया। अब नीचे आएंगे, अब इंटर देकर यहाँ फिर से लिखेंगे वाइड लूप। वाइड लूप में क्या होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वाइड लूप में मतलब कि जो भी हम लिखेंगे इसमें वो दोबारा मतलब रिपीट होता रहेगा। तो सिंपल सा हमें यहाँ लिखना है वाइड लूप लिखा यहाँ मैंने, सॉरी वाइड लूप। उसके बाद हमें देना है ब्रैकेट देना है, उसके बाद फिर हमें नीचे आना है, फिर से हमें कर्ली ब्रैकेट देना है। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें फिर से लिखना है, यहाँ हमें लिखना है फोर। अब देना है यहाँ ब्रैकेट देना है। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम जो लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं फेड का, तो इसमें मैं बता दूं आपको कि यहाँ जो भी हम लिखेंगे वो इंक्रीज ब्राइटनेस के लिए 0 से लेकर 255 तक, मतलब कि ये वैल्यू है 0 से 255 एलईडी ग्लो होगा। तो चलिए इसे कैसे लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ हमें सिंपल से लिखना है इंट आई, उसके बाद हमें साइन देना है इक्वल टू का, उसके बाद हमें लिखना है 0, फिर इसे हमें टर्मिनेट करना है। तो ये हो गया I0, मतलब शुरुआत 0 से होगा, उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते हमें ले आना है 255 तक। तो फिर से हमें लिखना है यहाँ I लिखना है, उसके बाद देना है हमें यहाँ I रहेगा स्मॉलर दैन इक्वल टू 255। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पहले इस साइन को देते हैं, उसके बाद फिर इक्वल टू, उसके बाद हम लिखना है 255। अब इसे भी हमें टर्मिनेट करना है, तो सेमी कोलोन दे देते हैं, यहाँ से ये टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पे लिखना है हमें I++। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि I++ मतलब कि I0 से I255 तक जाकर, उसके बाद फिर I++ मतलब ये बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से इसका काम ख़त्म हुआ। अब हम नीचे आएंगे, अब हमें यहाँ
फिर से सेमी कोलोन देना है। अभी सेमी कोलोन के अंदर लिखना है हमें एनालॉग राइट, क्योंकि ये यहाँ डिजिटल नहीं होगा, एनालॉग होगा। तो यहाँ हमें सिंपल से लिखना है इसे इंटर देकर नीचे करेंगे, उसके बाद ऊपर लिखेंगे। एनालॉग एनालॉग राइट, उसके बाद हमें ब्रैकेट देना है। इस ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है 3, क्योंकि हमने उस पर ऊपर में एलईडी पेन 3 सेलेक्ट किया था। उसके बाद हमें कॉमा देना है, उसके बाद लिखना है आई। अब इसे टर्मिनेट कर देंगे। अब हमें यहाँ इसी सेमी कोलोन के अंदर इंटर देकर लिखना है टाइमिंग लिखना है। तो यहाँ हमें लिखना है डिले, डिले लिखकर हमें ब्रैकेट देना है। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमें लिखेंगे कितने टाइम के लिए हमें एलईडी, कितने टाइम मतलब चेंज करता करते हुए एलईडी ग्लो होगा। तो यहाँ बहुत कम टाइम लेना है, यहाँ मैं यहाँ पे 5 मिली सेकेंड ले रहा हूँ, यहाँ मैंने 5 लिया। अब इसे भी हमें टर्मिनेट करना है, तो चलिए यहाँ टर्मिनेट कर देते हैं। अब इसका एलईडी इंक्रीज़ होते होते इसका काम तो हो गया, अब फिर से उसे डिक्रीज़ करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ ले आया, उस कर्ली ब्रैकेट का काम ख़त्म हो गया, अब फिर से हमें नया कर्ली ब्रैकेट देना है। नया कर्ली ब्रैकेट देने से पहले हमें फिर से लिखना है 4। अब ब्रैकेट देना है हमें स्पेस देकर, अब इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है हमें फिर से इंट लिखना है, उसके बाद आई देना है। अब यहाँ पे हमने वहाँ शुरू में 4 int i = 0 दिया था, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ हमें लिखना है int i = 255, क्योंकि यहाँ एलईडी हमारा ग्लो हो चुका था, 255 वैल्यू तक पहुँच चुका था। अब हमें यहाँ 255 से 0 तक ले जाना है। तो यहाँ हमें int i = 255 देना है, उसके बाद फिर इसे टर्मिनेट कर देना है। अब फिर से आई आई देना है, अब i > = 0 होगा। तो अब यहाँ हमें साइन देना है > = 0। अब इसे टर्मिनेट करते हुए फिर से यहाँ आई देना है, अब यहाँ देना है -साइन, आई माइनस माइनस मतलब कि ये अब घटता रहेगा। इस साइन से आपको पता चल गया होगा कि क्या होगा, मतलब कि ऊपर में i++ दिया मैंने, तो ये बढ़ता रहेगा, यहाँ से ये घटना स्टार्ट होगा। तो इस ब्रैकेट के बाहर आते हैं हम, उसके बाद हमें देना है कर्ली ब्रैकेट। तो चलिए इसमें कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें इस इंटर देना है, उसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें सेम थ्योरी रिपीट करना है। तो एनालॉग राइट लिखना है हमें, एनालॉग राइट, उसके बाद फिर हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है 3, i। अब इसे टर्मिनेट करना है हमें सेमी कोलोन देकर। अब इसमें हम फिर से टाइमिंग देंगे, तो इसमें डिले करवाना हमें 5 मिली सेकंड के लिए। तो यहाँ डिले ब्रैकेट के अंदर 5 लिख देंगे। अब इसे भी सेमी कोलोन देकर हमें टर्मिनेट करना है। तो यहाँ हमारा एलईडी फेड का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसे रन करवा कर हम देखते हैं।